अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ अर्शिया, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम डियर स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज। आज हमारा हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है कि हमने समझना है पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह डिपेंड कर रही होती हैं, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंज हो रही होती हैं, ये सारी की सारी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने मींस कि 18 सेंचुरी में 23 एलिमेंट्स वो डिस्कवर हुए थे, ठीक है, 23 एलिमेंट्स नोन थे, जबकि आज तक 119 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पे 1870 तक इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, 1870 में 65, 1925, 88 और अब 109 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। अब वो 119 में से बाकी कुछ रेडियोएक्टिव हैं और कुछ एलिमेंट्स बाकी हमारे पास मौजूद हैं जो कि स्टेबल हैं। अब ये क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं, रिएक्शंस करते हैं, किस तरह से रिएक्शन करते हैं, ये सारी की सारी पीरियोडिक टेबल में उसकी पीरियोडिसिटी से हमें पता चलता है। तो इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इन केमिस्ट्री। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि इससे ही किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। सबसे पहले हमारे पास पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल एक टेबल के फॉर्म में है जो हम आगे इसको आप डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इनके ऑर्डर को देखा गया, इनमें किस तरह से ये अरेंज हुए हुए हैं, इनके ऑब्जर्वेशंस ऑब्जेक्ट की किस तरह से अरेंज हुए हैं ग्रुप्स में, और इनके फीचर्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब इनकी डिस्कवरी हुई थी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर जो कि मोज़ली ने की थी 1913 में। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो बेस होती है किसी भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की, एलिमेंट्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट किसी भी चीज़ की ये बेस है कि किस तरह सिस्टमैटिकली उसको अरेंज किया गया है। अब एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मीन्स के पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की अकॉर्डिंग इसे अरेंज किया गया है। अब पीरियोडिक लॉ जो है वो पीरियोडिक लॉ इसमें अप्लाई होता है, जो क्या कहता है कि एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नंबर, इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं पीरियोडिक मैनर में। पीरियोडिक मैनर में क्या, एक वो कंप्लीट हुआ है ग्रुप है और एक आपके पास वो है मींस के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस देखते हैं, एक आपके पास ग्रुप है एंड एक पीरियड है। हर पीरियड के बाद उसका शेल चेंज होता है, पीरियोडिक मैनर में चेंज होता है, हर ग्रुप के बाद दूसरा ग्रुप आता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, ये सारी में डिपेंड करती हैं। अब पीरियड्स एंड सबसे पहले अब यह देखें, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल इस तरह से अरेंज हुआ हुआ है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर जो लाइंस हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, मींस कि ये हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, इन्हें क्या कहते हैं पीरियड्स, और ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं ग्रुप्स। अब यहाँ पे टोटल जो इसमें ग्रुप्स हैं 18 हैं यहाँ पे नॉर्मली, अभी हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, सिंपल उसमें 18 ग्रुप्स हैं जो स्टार्ट में इस तरह से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है कि इस तरह की शेप में ये प्रेजेंट है, दरमियान में ये एलिमेंट्स हैं, एंड पर दो सीरीज़ हैं और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स सिक्स ग्रुप्स यहाँ पर हैं। अब ये जो हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये ग्रुप्स होते हैं और ये पीरियड्स होते हैं। अब हर ग्रुप की एक अलग स्पेसिफिसिटी है, अलग प्रॉपर्टी है। अब देखिए हाइड्रोजन वन है तो अगला टू, तो एक ही पीरियड में टू, नेक्स्ट थ्री फोर एंड देन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरह से ये देखें पीरियोडिक मैनर में ये चेंज हो रहे हैं, इनके एटॉमिक नंबर की बेस पे इन्हें अरेंज किया गया है। अब यहाँ पे हमें से पता चलता है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से जो लेफ़्ट राइट से लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं राइट तक जाते हैं और टॉप टू बॉटम तक जाते हैं, हाइड्रोजन जो सबसे टॉप कॉर्नर पे है, हीलियम उसकी सेकंड मतलब जो राइट साइड पे है टॉप कॉर्नर पे है, और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है यहाँ पे देखें और हीलियम का टू है। देखिए हालांकि इतने दूर हैं लेकिन ये फर्स्ट स्टार्ट में है, सबसे फर्स्ट पीरियड में है, इसलिए इनको इनका एटॉमिक नंबर इस तरह से रेंज है, चाहे इसके अंदर इतना गैप भी है।
अब उसके बाद अब आप देखें कि जैसे लिथियम है 3, हालांकि इसके बाद इधर आ रहा है 3 है, ये 4 है, देन यहाँ पर जाके 5 है, तो सेम पीरियड के सिर्फ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं और उनका चाहे वो यहाँ पे देखें गैप भी है तो ये यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। जब यहाँ से 4 शेल स्टार्ट होता है तो ये सारों के एक जैसे होंगे, मीन्स के यहाँ पे दरमियान में भी इनकी सीरीज प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हम देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो अरेंज हुए हुए हैं 2 इन पीरियड 1 में, 1 में 2 हैं, 2 में कितने हैं 8, 3 में भी 8 हैं, 4 में कितने हैं 4 में 18, 5, 6 में 18 है, सॉरी 5 तक 18 है, 6 एंड 7 जो है वो इनकम्प्लीट है, 6 कंप्लीट है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आते हैं जबकि 7 इनकम्प्लीट है, अभी वो डिस्कवर हो रहे हैं उसके एलिमेंट्स। अब इसमें देखिए फर्स्ट पीरियड सबसे ज़्यादा शॉर्ट है कि उसके 2 ही मेंबर हैं, फर्स्ट 3 पीरियड, तो सेकंड एंड थर्ड भी शॉर्ट पीरियड हैं, तो इन 3 पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे इनमें एलिमेंट्स कम हैं, जबकि जो नेक्स्ट हैं 4th, 5th, 6th, 7th, तो ये इनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं क्योंकि इनमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट तो पैटर्न प्रॉपर्टीज़ का चेंज हो जाता है, सॉरी एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हैं तो पैटर्न उनका रिपीट होता है, लाइक अगर आप इससे जाते हैं यहाँ पर इन दोनों का चेंज होगा, लेकिन जब दोबारा आप इसमें आएंगे तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी, इनका पैटर्न सेम होगा। अब हर वर्टिकल जो रो कॉलम है उसमें रेंज से ग्रुप कहते हैं और फैमिली भी कहते हैं। अब यहाँ पर हर ग्रुप को जो वो अब आई थिंक इतना अनफ है एंड देन कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू क्लास, होप सो आप लोगों को समझ आई हो, जो चीज़ समझ ना आई देन वी विल डिस्कस लेटर। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।